हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडियू। स्वागत है दोस्तों आपका पेंडुलम ईडियू में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस 5 मार्च 2020 में जो अभी अभी आपका पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस जो है हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको। सारे के सारे आपके जो है GS के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। आपका इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आगे वाली शिफ्ट में आपके पूछे जा सकते हैं। ये शिफ्ट थोड़ा सा दोस्तों जो हमारे को एनालिसिस मिली है, हमने करी है एनालिसिस, उससे पता लगा है कि ये शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड थी। घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर शिफ्ट हार्ड है थोड़ी सी तो आपको नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से मिल जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका पेपर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आपने कम अटैम्प्ट करे हैं तो अगर बट एक्यूरेसी आपकी ठीक है तो यू विल Definitely got selected in टायर टू। आप टायर टू को पास कर जाएंगे, टायर वन को पास कर जाएंगे, सॉरी टायर वन में आप जो है सिलेक्शन ले जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले GS में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो GS के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। इस एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, GS में क्या पूछा गया था। GS में क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था आपका रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट 2019। तो रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की रैंक जो है आई है 34th रैंक है इंडिया की ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में। देन बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेशनल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था आपका नेशनल पार्क्स इन इंडिया, नेशनल पार्क्स इन इंडिया 104 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। देन क्वेश्चन पूछा गया था आपसे चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो कौन हैं, वो हैं एन के सिंह जो अपॉइंट हुए हैं अभी। देन बात करें हम हरभजन सिंह इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रून एंड बास्किन, एक कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हरभजन सिंह, ये भी रिसेंटली बने हैं। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर से आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन है। करंट अफेयर से आज की शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। आपने देखा पहला थर्ड फोर्थ सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। देन बात करें हम ऑफिशियल लैंग्वेज इन गिवन अंडर विच आर्टिकल, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपकी आर्टिकल 343 जो है उस आर्टिकल के अंडर जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हिंदी और इंग्लिश है वो इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। देन बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ओमान, जो इंडिया और ओमान के बीच में अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उसका नाम पूछा गया था डायरेक्ट आपसे, अल नगा ओमान, ये नाम है आपका इंडिया और ओमान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उसका। अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों, तो उसमें क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे केमिकल नेम, केमिस्ट्री से भी ये क्वेश्चन आया है इस शिफ्ट में, केमिकल नेम ऑफ एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट का केमिस्ट्री में आपका ये नाम पूछा गया है, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो होता है आपका एप्सम सॉल्ट। देन बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आपको गवर्नर जनरल बताना था बंगाल फेमाइन का, दो बार बंगाल फेमाइन जो है आपकी दो बार हो चुकी है, ग्रेट फेमाइन जो है आपकी वो 1770 में हुई थी, एक फेमाइन आपकी 1990s में हुई थी। तो ये जो है आपका बंगाल फेमाइन जो 1770 की थी उस टाइम पे गवर्नर कौन थे बंगाल के, वो थे जॉन कार्टियर, ये ऑप्शन जॉन कार्टियर आपके उसमें रहा था, तो जॉन कार्टियर इसका सही आंसर होगा। देन अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे विच लिक्विड कैन बी यूज इन थर्मोमीटर इन प्लेस ऑफ मरकरी, मरकरी के रिप्लेसमेंट में आप कौन से लिक्विड को यूज कर सकते हो, तो क्या वो होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी होती है कि मरकरी किस लिए क्यों यूज होता है थर्मोमीटर में, क्योंकि उसमें जो आपका टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होता है वो ठीक, वो एक्चुअली में एक प्रॉपर एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन चलता है, तो आप उसकी वजह से आप अपने टेम्परेचर को जो है मेज़र कर सकते हो, उस टेम्परेचर को आप बता सकते हो कि डिनोट कर सकते हो आप उनकी रीडिंग्स को। तो सिमिलर वे में सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम अल्कोहल के लिए भी बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो थर्मोमीटर में। देन बात करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था फीमेल वेट लिफ्टर पूछा गया था आपको, जो बैन कर दी गई है नाडा से फीमेल वेट लिफ्टर बैन हुई है अभी, सीमा काफ़ी न्यूज़ में थी है अभी, नाडा ने बैन कर दिया है जिनको। देन बात करें अगला क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन था, एसिड नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में एसिड कौन सा नहीं प्रेजेंट होता, ग्रेप्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, टार्ट्रिक मैलिक सिट्रिक, ये इस टाइप से था क्वेश्चन। देन बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो NH44 के बारे में पूछा गया कि कितने हाईवे इस हाईवे में जो है मीट होते हैं NH44 में, तो टोटल 7 हाईवे इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम तानसेन अवार्ड किस स्टेट द्वारा दिया जाता है, तानसेन अवार्ड इज गिविन बाई विच स्टेट, तो ये मध्य प्रदेश का अवार्ड है, मध्य प्रदेश में अवार्ड दिया जाता है तानसेन अवार्ड। देन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, 1934 में फॉर हुई थी ये पार्टी,
देन अगला क्वेश्चन देखें तो मिलान मिलान एक्सरसाइज के बारे में अभी बात हुई है, मिलान 2020 एक्सरसाइज जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है ये। तो मिलान एक्सरसाइज जो है टू बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम में होने वाली है, ये विशाखापट्टनम की ये एक्सरसाइज है, मिलान एक्सरसाइज विशाखापट्टनम इसका सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लोथल लोथल वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो लोथल जो थी आपकी वो आपकी भोगवा रिवर जो थी उस टाइम की, भोगवा रिवर पे ये लोकेटेड थी। देन बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो प्रेजिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन, आर्चरी से बहुत क्वेश्चन आए हैं पिछली शिफ्ट में भी दोस्तों, आर्चरी से क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो प्रेजिडेंट पूछ लिया है डायरेक्टली आर्चरी एसोसिएशन इंडिया की अर्जुन मुंडा, क्योंकि काफ़ी सारे अवार्ड्स लेकर आ रहे हैं आर्चर्स हमारे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आर्चर्स, इंडियन आर्चर्स जो हैं, ये आपका जो आर्चरी एसोसिएशन के प्रेजिडेंट हैं वो है अर्जुन मुंडा। देन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो झांसी की रानी मॉसोलियम, मतलब कि झांसी की रानी की जो समाधि है वो कहाँ पर है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, फूलबाग मैदान ग्वालियर जो है उसमें ये है झांसी की रानी की समाधि है। देन बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो बुक्स एंड अवार्ड से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन बुक्स एंड अवार्ड से पूछा गया था, एंड इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आज के एग्जाम में। तो ये थी आपकी जनरल अवेयरनेस की एनालिसिस, तो आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा करंट, अगर आप देख रहे हो तो करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड आपको जान के वो होगी खुशी कि जो लोग हमारे करंट अफेयर्स को डेली फॉलो कर रहे थे उन लोगों के 90% 80-90% क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स जो हैं हमारे उनसे फंसे हैं। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए, अगर आपने आपका एग्ज़ाम 2 से 3 दिन में है तो आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं, लास्ट इस मंथ को छोड़ के उससे पहले के 2-3 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, काफ़ी बन रहे हैं जैसे आपने देखा भी होगा इन एनालिसिस में। तो देखते हैं दोस्तों अब इंग्लिश के एनालिसिस, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इंग्लिश में दोस्तों क्वेश्चन था आपका एंटोनिम सिनोनिम से, टोटल इस बार इस शिफ्ट में 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे एंटोनिम सिनोनिम से, सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कौन कौन से पूछे गए थे आपसे। एक पूछा गया था आपसे हॉस्टाइल का, हॉस्टाइल का आपको पूछा गया था, तो हॉस्टाइल का मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ यहाँ पे जिन जिन वर्ड्स के थे। अब आपको एंटोनिम पूछा गया हो या सिनोनिम पूछा गया हो तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है दोस्तों अपोजिट सिचुएशन या एनीमियस सिचुएशन, एनीमियस सिचुएशन या फिर आपका अपोजिट सिचुएशन हो गया, तो ये आपका जो है हॉस्टाइल का मीनिंग होता है। देन बात करें अगर हम कैटास्ट्रॉफी, एक और वर्ड पूछा गया था आपसे कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी तो कैटास्ट्रॉफी जो होता है आपका डिजास्टर इफेक्ट हो जाता है, या कि तबाही बोल सकते हो आप, कैटास्ट्रॉफी हुई है तो एक तबाही को आप कैटास्ट्रॉफी बोल सकते हो। देन बात करें हम एब्डिकेट की, तो एब्डिकेट एक पूछा गया था आपसे, एब्डिकेट का मीनिंग होता है दोस्तों, एब्डिकेट का मीनिंग होता है आपका टू गिव अप, टू गिव अप ऑन समथिंग, टू गिव अप, एब्डिकेट का मीनिंग होता है टू गिव अप सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी सॉलिडारिटी एक क्वेश्चन में था आपका, एंटोनिम था या सिनोनिम था, ये सॉलिडारिटी के ऊपर क्वेश्चन था आपका। सॉलिडारिटी का मीनिंग होता है आपका यूनिटी और एग्रीमेंट, मतलब आप एक साथ किसी के साथ हैं, यूनिटी में हैं, तो सॉलिडारिटी मतलब जैसे कभी बोला भी जाता है आपका कोई किसी की डांट में चले जाते हैं तो टू सॉलिडिट्यूट या टू सॉलिड टू शो सॉलिडारिटी, ये चीज़ बोली जाती है उस टाइम पर उस सिचुएशन के लिए। देन एक था आपका वर्ड स्लगिश, स्लगिश आया था, स्लगिश का मीनिंग होता है स्लो, वेरी स्लो वर्ड जो है स्लो का वेरी मतलब कि स्लो की बहुत, अगर आप बोल दो कि बहुत ज़्यादा कोई स्लो है तो वो स्लगिश बोल सकते हैं उसको। देन बात करें हम मिस स्पेल्ट से, मतलब कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो होते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड्स से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें था आपका एक डेफिनेट पूछा गया था, एक में था डेफिनेट उसकी स्पेलिंग शायद से गलती गई थी, एंड एक कोमोमरेट, कोमैमोरेट, कोमैमोरेट जो था आपका एक वर्ड था कोमैमोरेट, तो एक ये था आपका, एक डेफिनेट था। देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चंस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके जो है 2 क्वेश्चंस थे दोस्तों। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या क्वेश्चन आया था दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था आपका ए शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था, इसका मीनिंग, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है आपका वो होता है फेबल, फेबल जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी के लिए यूज होता है वन वर्ड, अगर आप उसको वन वर्ड में दिखाना चाहें तो। क्लोज टेस्ट की बात करें तो दोस्तों क्लोज टेस्ट आया था आपसे, क्लोज टेस्ट में आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लोज टेस्ट से, एंड क्लोज टेस्ट पे बेस्ड जो क्लोज टेस्ट था वो ड्रग एडिक्शन के ऊपर,
ड्रग एडिक्शन के ऊपर जो है आपका क्लोज टेस्ट था, बहुत इजी क्लोज टेस्ट था। तो बहुत इजीली मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था आपको, कोई बहुत मीनिंग्स या कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको पुट करने के लिए नहीं बोला गया था, जस्ट जनरल बेसिक नॉलेज जो है आपकी ग्रामर की, वो क्लोज टेस्ट अगर आपकी है तो क्लोज टेस्ट बहुत ईजिली आपका हो गया होगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन आए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो है आपका पूछा गया था एड फ्यूल इन अ फायर, एड फ्यूल इन फायर तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत कॉमन सेइंग है ये। एड फ्यूल इन फायर का मतलब होता है टू मेक सिचुएशन वर्स और बैड। तो ये हो गया है आपका एड फ्यूल इन फायर। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, एक नया जो है आपको देखने को मिला होगा हॉब्सन्स चॉइस जो है ये रिपीटेड ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो हॉब्सन चॉइस एक नया था, हॉब्सन चॉइस होता क्या है, एक इस हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है दोस्तों कि या तो आप कुछ आपको जो मिल रहा है आप उसमें से जो मिल रहा है आप वो ही ले लो या फिर आप कुछ भी ना लो। तो एक चॉइस ऑफ टेकिंग वॉट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल। तो ये था ऑप्शन चॉइस से पूछा गया था। एक्टिव पैसिव से दोस्तों, एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन आया है, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आया है आपका, सेंटेंस करेक्शन से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट्स द एनालिसिस फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं कहूँगा बेस्ट अटेम्प्ट जो है आप 22 क्वेश्चंस तक अगर आप करके आए हैं, मतलब इस जस्ट की मैं बोल सकता हूँ 21 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपने कर लिया है एक्यूरेसी के साथ, तो इंग्लिश के बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं और इतने करे जा सकते थे क्योंकि इंग्लिश एक ईजी सेक्शन था। अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं, मैं नो डाउट क्वांट जो है आपका हार्ड आया है इस पेपर में, बट इंग्लिश में यू कैन डू अप टू दिस मच ऑफ क्वेश्चंस। तो इंग्लिश के लिए मैं बेस्ट अटेम्प्ट्स बोलूँगा 21 to 22 क्वेश्चंस। देन बात करें अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की, अब लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग से हमारे को क्या क्या पूछा गया है। लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों आपको ऑड वन आउट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 to 4 क्वेश्चंस ऑड वन आउट से पूछे गए थे। ऑड वन आउट से दोस्तों 3 क्वेश्चंस थे। देन बात करें हम एनालॉजी की, तो एनालॉजी से आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए। देन बात करें हम आपकी काउंटिंग फिगर से, एक क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से था दोस्तों, नॉन वर्बल पूछी गई इसमें प्रॉपर, काउंटिंग फिगर्स से आपका एक क्वेश्चन था। काउंटिंग फिगर्स में आपका ट्रायंगल से था, ट्रायंगल्स को काउंट करना था आपको। देन बात करें हम आपका कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे आपके, उसमें क्या था, एक क्वेश्चन था आपका प्लेस वैल्यूज जो हैं, अगर आप प्लेस वैल्यूज को कंसीडर करके आप डायरेक्ट उनके आंसर कर सकते थे, प्लेस वैल्यू के एडिशन पे क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। देन बात करें हम सिलॉगिन की, तो सिलॉगिन से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिलॉगिन से एक क्वेश्चन था। देन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन था दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये एक क्वेश्चन था। देन बात करें हम क्यूब्स एंड डाइसेस से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से दोस्तों 3 क्वेश्चन थे टोटल, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग इस बार पूछी गई है, अच्छे से पूछी गई है, उसका एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपका प्लेस वैल्यू कंसीडर करके आप बता सकते थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका एक क्वेश्चन था। देन आप नॉन वर्बल में ही अगर बात करें तो एक मिरर इमेज से भी क्वेश्चन था, मिरर इमेज से क्वेश्चन था। देन हम बात करें तो आपका एम्बेडेड फिगर, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन था। देन पेपर फोल्डिंग से आपका क्वेश्चन था, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन था आपका। देन आपका एक मिसिंग नंबर का वापस आ गया है, पिछली शिफ्ट में मिसिंग नंबर नहीं पूछा गया था, दो बच्चे थोड़ा खुश थे। मिसिंग नंबर थोड़ा ट्रिकी लॉजिक्स पे मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है, तो मिसिंग नंबर पे एक क्वेश्चन था दोस्तों। देन सीरीज पूछी गई थी आपसे, सीरीज टोटल 2 क्वेश्चन थे, सीरीज पे नंबर सीरीज थी आपको दी गई। देन आपका ग्रुप ऑफ वर्ड नंबर्स दिए गए थे, उनके बेसिस पे आपको बताना था। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका 87 और 407। तो 87 407 के लॉजिक पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको सिमिलर लॉजिक को कंसिडर करते हुए आपको उसका आंसर बताना था। तो 87 407 में लॉजिक क्या दिख रहा है आपको, बहुत
पेट लॉजिक है ये एसएससी का, हमेशा से हर एग्जाम में ये पूछते आई है इस लॉजिक पे क्वेश्चन। इसमें करना क्या था आपको, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, इनको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 407। तो इस हिसाब से लॉजिक लग रहा था, और सिमिलर वे में एक और ऑप्शन था जो लॉजिक सेम जिस पे लग रहा था। हाँ, तो वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन, अगेन वेन डायग्राम से इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। वेन डायग्राम का क्वेश्चन था दोस्तों, आपको दिया गया था ह्यूमन बीइंग दिया गया था आपको, क्रिकेटर दिया गया था आपको, एंड देन प्लेयर्स दिया गया था आपको। तो इसका आपको वेन डायग्राम में इलस्ट्रेट करना था बेस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम से। तो ह्यूमन बीइंग तो सारे क्रिकेटर और सारे प्लेयर्स होंगे ही दोस्तों, और सारे प्लेयर्स जो होंगे वो सारे प्लेयर्स जो हैं उन क्रिकेटर्स जो हैं सारे के सारे वो प्लेयर्स भी जरूर होंगे। तो मैं क्रिकेटर को इससे डिनोट करूँ, प्लेयर्स को इससे डिनोट करूँ, और ह्यूमन बीइंग को इससे डिनोट करूँ, तो ये बेस्ट पॉसिबल वे होगी मेरे को इस वेन डायग्राम में किसी को शो करने की। देन आपको पूछा गया था एक ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपका जो था वो ये देखने को मिला है कि लास्ट दो शिफ्ट से ऑड वन आउट जो आ रहा है वो बायोलॉजी पार्ट से आ रहा है। तो उसमें क्या था आपको, लीवर दिया गया था आपको, किडनी दी गई थी आपको, देन एक पैनक्रियाज दिया गया था आपको जो कॉमन टर्म्स थे, देन ये तो सारे के सारे आपके ऑर्गन्स हो गए लीवर किडनी और पैनक्रियाज। एक यहाँ पे आपको एंजाइम दिया गया था, तो वो एंजाइम जो था वो ऑड वन आउट हो जाएगा आपका इन सब के बीच में। देन आपका लॉजिकल ऑर्डर बेस, लॉजिकल ऑर्डर बेस एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी बच्चों को याद नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार लॉजिकल ऑर्डर बेस बहुत सिंपल से लॉजिक पे नहीं था। इसमें आपको डिफरेंट पोजीशंस जो होती हैं आपकी, रैंक्स जो होती हैं आर्मी मिलिट्री में, उनके ऊपर आपको अरेंज करना था लॉजिकली जो है जो वर्ड्स दिए गए थे। देन आपका फिगर सीरीज से दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिला है, फिगर सीरीज से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अगर हम ये बात करें तो टोटल आपके नॉन वर्बल रीजनिंग, तो नॉन वर्बल रीजनिंग की मैं बात करूँ तो नॉन वर्बल रीजनिंग से टोटल 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस वाली शिफ्ट में। तो दोस्तों ये हुआ आपका टोटल एनालिसिस लॉजिकल रीजनिंग का। देन अब हम बात करते हैं आपका क्वांट सेक्शन की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन जो था इस बार थोड़ा सा आप कहो कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, बाकी कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन भी आए हैं इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में। तो देखते हैं क्या किस टाइप का था, थोड़ा जीएस पार्ट मैं कहूँगा, जीएस पार्ट थोड़ा सा टिपिकल रहा है, बट ओवरऑल लेवल जो है मैं कहूँगा आप डूएबल था पेपर आराम से। आप जो है मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के एंड में कि बेस्ट अटेम्प्ट कितने कर सकते थे इसमें, अगर आप उत्ते की रेंज में लाई कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी, बट ये है कि एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। एक्यूरेसी अगर आप नहीं मेंटेन कर पाओगे, आप सिर्फ देखने देखने के, इंग्लिश के केस में बहुत बार ये बच्चे कर लेते हैं कि इंग्लिश का जब पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे होते हैं तो वो जस्ट उनको फील जो फील वाली चीज़ होती है ना, उस फील की चीज़ में आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर जाते हो कि ये सही लग रहा है तो ये सही आंसर होगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। इंग्लिश में जो रूल्स आप पढ़ के गए थे, जितनी आपने पढ़ाई करी है उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, आपको फील में नहीं जाना है। इवन जीएस में भी आपको लग रहा है कि वो सही हो सकता है नहीं हो सकता तो उस चीज़ पर नहीं जाना है। अगर आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि जो भी हार्ड शिफ्ट होगी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है पेपर देते हुए कि किस टाइप का पेपर है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो उसमें अगर आप गलत कर देते हैं बहुत सारे तो आपको नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होगी। उसमें आप अगर एक्यूरेसी मेंटेन करके चलते हैं और साथ में आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो ये जो है आपका बहुत अच्छा एक फाइनल स्कोर जो है आपको प्रोजेक्ट होता हुआ दिखेगा अपने टायर वन के रिजल्ट में। तो देखते हैं दोस्तों क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन में क्या आया है। क्वांट में जो है आपका एलजेब्रा से क्वेश्चंस थे, एलजेब्रा से हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यहाँ पे, एंड देन ट्रिगो से आपका ट्रिगोनोमेट्री से आपके 3 क्वेश्चंस के अराउंड देखने को मिले हैं। देन हम बात करें आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जो है एक क्वेश्चन था, देन बात करें हम आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन था वो आप ये समझ लीजिए अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन की अप्रोच लगा देते उसमें तो वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाता। देन एवरेज से दोस्तों क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है, एवरेज से हर शिफ्ट में मिल रहा है, और वो क्वेश्चन जो है आपका जो सीपीओ में पहली बार पूछा गया था उस टाइप के एवरेज पे क्वेश्चन सीपीओ में, और लास्ट के सीजीएल जो मेंस वगैरह था उन में पूछाने वाला क्वेश्चन था वो जो है उस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, और एक सेट पैटर्न है एवरेज के क्वेश्चन का, उसी टाइप से एवरेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये है आपका, देन एक मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन था आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। देन बात करें अगर हम मेंसुरेशन से क्वेश्चन हो गया आपका रेशियो प्रोपोर्शन से जो है, रेशियो प्रोपोर्शन से आपके क्वेश्चन था एक,
क्वांट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या पूछे गए थे क्वांट में, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपको, कॉस 0 डिग्री दिया था, कॉस 30 दिया था आपको, कॉस 60 दिया था, देन कॉस 90 दिया था आपको, इसकी वैल्यू पूछ रही थी। अब इसमें क्या है, कॉस 90 आपको पता है 0 होता है तो डायरेक्टली पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन आपको एक जो है स्क्वायर दे दिया गया था, उसका पैरीमीटर आपको बता दिया गया था कि 64 है, तो आपको पूछा गया था कि एरिया कितना होगा। तो अब डायरेक्टली इसमें कुछ भी नहीं बताना था आपको, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पैरीमीटर पता होता है 4a, 4 इंटू साइड होता है, तो साइड आपकी आ जाएगी यहाँ से 16, साइड 16 आ गई, तो एरिया डायरेक्टली आपका 16 का स्क्वायर नहीं 256 हो गया। तो एक एक सेकंड के जो क्वेश्चन थे एवरेज में, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, एवरेज का क्वेश्चन क्या आया था, एवरेज में आया था कि 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है 175 सेंटीमीटर। एक नया स्टूडेंट, वन न्यू स्टूडेंट जो है इनटेक होता है, वन न्यू स्टूडेंट केम एंड जो रिजल्ट होता है, एवरेज रिजल्ट जो है, एवरेज जो हो जाता है 6 स्टूडेंट्स का, जो 6 स्टूडेंट्स हो गए हैं 1+5 6 स्टूडेंट, उनका एवरेज 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाता है। तो जो नया आया है उसका जो है हाइट कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो इसमें कि 1 सेंटीमीटर सब पे इंक्रीज हुआ है, मतलब सब पे इंक्रीज हुआ है, वो हुआ किसकी वजह से, वो जो नया बंदा आया है उसकी वजह से हुआ है। अब एवरेज कितना हो गया है, 176 हो गया है, तो जो नया है उसके पास 176 एवरेज वाली वैल्यू तो है ही है साथ में, पर जो उसने दी थी सब लोगों को एक एक एवरेज बढ़ाने के लिए उनकी उनकी हाइट को, तो वो भी वो उस वही उसी की वजह से आई है। तो टोटल 5 लोगों पे 5 इंटू 1 सेंटीमीटर सब पे बढ़ा था, तो 5 सेंटीमीटर टोटल उसने बढ़ाया था सब लोगों की हाइट में। तो ये हो जाएगा आपका 176 प्लस 5 यानी कि 181 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट थी जो नया बच्चा आया था। तो ये था आपका दोस्तों एवरेज से क्वेश्चन जो पूछा गया था। देन हम बात करें आपका, इसको बोल सकते हैं हम, ये ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, क्वाइट इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब वापस से वो फर्स्ट शिफ्ट वाला जो है फील आया कुछ क्वेश्चंस को देख के। तो मुझे तो इसमें क्या दिया था आपको, ए बी रेशो बी सी रेशो सी ए दिया गया था। तो ए बी रेशो बी सी रेशो सी ए जो था आपको दिया गया था 4:3:2, तो आपको पूछा गया था कि सबसे छोटा एंगल जो है वो कितना होगा। तो आप जिस रेशो में साइड हैं उसके उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी उसी रेशो में होंगे, तो ए बी के अपोजिट ये एंगल है, तो ये इसका 4 हो गया, इसका जो है आपका 3 हो गया, इसका जो है 2 हो गया, तो वो सॉरी बी सी के अपोजिट ये है तो 3 ये हो गया, देन सी के अपोजिट जो है ये एंगल है तो ये 2 हो गया। तो 9 की वैल्यू आपको 180 दी गई थी, देन 1 की वैल्यू आपकी आ गई 20 डिग्री, सबसे छोटा एंगल 2 होगा, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 डिग्री, तो सबसे छोटा एंगल 40 डिग्री आया था। देन एक आपका जो है क्वेश्चन आया था उससे, आपका प्रॉफिट लॉस से, तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन क्या था आपका, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया था दोस्तों, सीपी दिया गया था आपको 42,000 ए आइटम का एंड सीपी बी आइटम्स का दिया गया था आपको 8,000। तो आपको दिया गया था कि ए आइटम के जो सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 10% प्रॉफिट पे बेचे जाते हैं और बी आइटम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 5% पे बेचा जाता है, सो आइटम्स है सॉरी, तो 10% प्रॉफिट पे इनको बेचा जाता है, 5% पे इनको बेचा जाता है। तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि 10% तो ये आपका ए आइटम के प्रॉफिट हो गया, मिक्सर एलिगेशन लगाना था आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, 5% इनका हो गया। तो आपको मीन टर्म जो है वो फाइंड करनी है, देन आपको बताया गया था कि सी पी इनका कितना है 42,000, इसका 8,000 है, तो हम बोल सकते हैं ये आई थिंक दोस्तों 42,000 नहीं था, ये 48,000 था या कुछ था, बट मैं बता देता हूँ आपको, अगर 42,000 भी रहा होगा तो इट विल बी ये हो जाएगा आपका 21:4। तो आप डायरेक्टली एक्स इनको जो है कंपेयर करके बता सकते हो, इट विल बी कि 10-x(21) = हो जाएगा आपका x-5(4). इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका x का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो इस टाइप के पेपर में हमें जो है, इस वाले पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिले। क्वांट सेक्शन से लोग बच्चे जो थे कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेटिव बता रहे थे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको डुएबल थे, आराम से करे जा सकते थे। तो मैं कहूँगा कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन में आपका जो बेस्ट अटैम्प्ट होना चाहिए वो अराउंड 80-20 क्वेश्चंस आप कर सकते थे यहाँ पे, अगर आप टाइम लिमिट को सही से लेके चलते, टाइम मैनेजमेंट आपने सही किया होता तो 18-20 क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते थे। तो ये रही दोस्तों हमारी, ये जो एनालिसिस थी आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर समाप्त होती है, जो कि शिफ्ट हुई है आपकी 5th of March इवनिंग शिफ्ट, मतलब कि लास्ट शिफ्ट जो थी इसकी एनालिसिस हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों अब अगली शिफ्ट में किस टाइप से पेपर्स पूछे जाते हैं, एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाला है,
आई होप कि ये जो है ज़्यादा ऊपर नीचे ना करे क्वेश्चंस को, और ज़्यादा आपको चेंज देखने को ना मिले। जो आप हम एनालिसिस बता रहे हैं वही आपकी रिपीटेटिव, उस टाइप से आपको थोड़ा हेल्प मिले कि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, मेन चीज़ जो है ना दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। आपको पेपर चाहे कैसा भी दे दे एग्जामिनर, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पेपर तुम चाहे कोई सा भी दे दो, अगर मुझसे नहीं हुआ ना पेपर में कोई क्वेश्चन, तो किसी से नहीं होगा। ये आप अगर आपकी ये सोच आप बना के बैठोगे पेपर में, तो ये समझ लीजिएगा आप डेफिनेटली इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। एंड SSC इज़ जस्ट अबाउट टाइम। आप टाइम मैनेजमेंट जो है अगर तरीके से करके चल रहे हो, तो आपका SSC का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, अगले शिफ्ट में जिनके पेपर होने वाले हैं और जिनका शिफ्ट इस शिफ्ट में पेपर था, तो उनका मैं प्रे करूँगा कि आपका पेपर अच्छा हुआ हो और आपका सिलेक्शन हो जाए अगली लेवल के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।